फोन हटा लो। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये मैं वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ स्टेशन पे आके, तो हाँ, और हमारा ट्रेन भी आ रहा है। कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ वैसे भी आप लोगों को पता चल ही गया है, बट फिर भी मैं बोल दे रही हूँ। तो चलिए, फिलहाल मेरा ट्रेन आ रहा है, ले लेती हूँ। और कौन कौन है मेरे साथ मैं बाद में दिखा दूँगी, फिलहाल अभी ट्रेन में जाती हूँ, फिर इस वीडियो को मैं करूँगी। आर्यन और मैं बैठ गए एक साथ। कैसे हो आर्यन? अच्छे नहीं हो? क्यों? दोस्त के संग जाने से मुंह का स्माइल और मेरे संग जाने से चेहरा का देख लीजिए, बहुत बदमाश है। मेरे संग जाना नहीं चाहता है, फिर भी जा ही रहा है, कोई बात नहीं है। तो फिलहाल हमारा ट्रेन यहाँ से निकल चुका है। तो अभी हम लोग का स्टेशन है बेलूर स्टेशन, देख सकते हैं। मैंने लिलुआ से पकड़ा फिर बेलूर, इसके बाद जो स्टॉपेज आएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो अब आ गया है बाले स्टेशन, देख सकते हैं। तो अब आ चुका है हम लोग का तीसरा, ये चौथा स्टेशन है, तीसरा है उत्तरपाड़ा। अब आ चुका है हिंद मोटर, इसके बाद आएगा कौननगर, फिर इसरा, फिर से रामपुर, जहाँ पे हम लोगों को उतरना है। हमारा इतना तेज बारिश, जैसे हम लोग हिंद मोटर पार की और ये बारिश बहुत तेज। हाथ अंदर करो आर्यन, हाथ अंदर करो, देख सकते हैं बहुत तेज हो गया यार। चलिए चलते हैं। उसके बाद हम लोग का कौननगर स्टेशन भी आ चुका है, फाइनली अब आ चुका है रेसरा स्टेशन, देख सकते हैं। इधर बारिश हुआ है, हाँ हुआ है, बट कौन नगर में तो बहुत तेज़ था, इधर तो थोड़ा कम भी है। हम लोग थोड़ा दूर आ गए हैं क्योंकि ये जो कांच है हम लोग से लग ही नहीं रहा था। हम लोग से क्या, बहुत लोग कोशिश किए, तीन चार लोग, उन लोग से भी नहीं लगा, शायद ख़राब है। तो चलिए, उसके बाद आएगा हम लोग का श्रीरामपुर स्टेशन, फिर हम लोग उतरेंगे। फिलहाल हम लोग श्रीरामपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ से जाते हैं, रिक्शा या टोटो जो भी होगा पकड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे धोबी घाट। उसके बाद वहाँ से कैसे कैसे जाएंगे मैं आप लोगों को सब शेयर करती हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो चलिए करती हूँ मैं। तो यहाँ से हम लोगों ने टोटो ले लिया है जो कि धोबी घाट जाएगा, पर पर्सन 10 रुपये करके, फिर वहाँ से लंच का टिकट लेंगे हम लोग। तो चलिए, जैसे जैसे होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले वहाँ से टोटो सूत्र के अब आ गया है यहाँ पे लंच के पास, जहाँ पे टिकट लेंगे। कितना का है नहीं है पता नहीं है, चली लेती हूँ तो भी आप लोगों को सर मतलब शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पे टिकट लिया हम लोगों ने, देखिए पर पर्सन 7 रुपये करके। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। चलिए चलते हैं, खड़ा भी है, मस्त लग रहा है यार, हवा हवा अच्छा लग रहा है। तो फाइनली देखिए हम लोग लंच से उतर चुके हैं, अब चले चलते हैं उस पार और वहाँ से फिर ऑटो या टोटो जो भी मिलता है लेते हैं, फिर जाते हैं दादा बोधी। वो सब तो मतलब जितने लोग जा रहे हैं ना, सबके मुंह से एक ही चीज़ सुन रहा है, दादा बोधी ये ले एक और वो, मतलब बंगला में अपना सब बात कर रहा है। तो मुझे तो लग रहा है सब दादा बोधी जा रहे हैं। और आज है देवर का छुट्टी, तो वही बोले कि चलिए चलते हैं। तो मैं बोली चलिए, बहुत दिनों से मैं प्लान कर रही थी, एक दिन तो जा भी रही थी मैं और आर्यन, तो उस दिन भाई के साथ मूवी चली गई तो जा नहीं पाई।
तो चलिए एक ही बार पहुंचते हैं वहां पे, फिर इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। हम लोग पहुंच चुके हैं दादा बॉडी बिरयानी। लाइन लगाना पड़ेगा अंदर से, लाइन कहाँ से होगा, तो यहाँ पे आ जाओ, अंदर जाना पड़ेगा तो लाइन देख सकते हैं। भाई साहब दिन में भी ये हाल है, हम लोग सोचे जल्दी आएंगे, उत्तरी तो यहाँ देख लीजिए हम लोग लग चुके थे लाइन में। हम लोग को तो लगा काफ़ी टाइम लगने वाला है, और पूरा बारिश का मौसम, मतलब जैसे हो रहा था ना, हल्का हल्का बारिश हो भी रहा था, अगर तेज़ होता तो हम लोग क्या ही करते, हम लोग तो छाता भी नहीं लेके गए थे। खैर कोई नहीं, चलिए देखते देखते हम लोग सामने आ चुके हैं। तो जो भी हो, मतलब रेस्टोरेंट के अंदर भी ढूक रहे थे ना, बहुत ज़्यादा भीड़ था यार, पता नहीं ये पूजा की वजह से। लेकिन भाई बोला नहीं, यहाँ पे एनी टाइम भीड़ होता है, इतना नहीं होता है बट होता है, हमेशा ही भीड़ होता है। यहाँ देखिए बारिश भी चालू हो चुका है, बस तेज़ ना हो जाए। तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। अरे यार एक्सरसाइज हो जाएगा। अरे वहीं पे लाइन है रे भाई साहब, चलिए हम लोग यहाँ पे अंदर आ गए थे। और आने के बाद मुझे ना वो मन था कि मुझे ना केला के पत्ता भी खाना है, जो हमेशा वीडियो में देखती हूँ भाई भी खाता था, बट आज वो नहीं मिला क्योंकि हम एकदम आ गए थे फोर्थ फ्लोर पे। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेन्यू है, जिसमें पहले ही हम लोगों ने किया है भटकी फिश फ्राई, जो कि भाई बोला था कि वही ट्राई करना काफ़ी टेस्टी होता है, वो किया है। उसके बाद मैंने हम लोगों ने किया है दो प्लेट मटन बिरयानी, ऑर्डर पहले ही ले लेते हैं वो लोग, और उस संगी संग में आपसे पैस, मतलब जो पेमेंट होता है ना उसी टाइम करना होता है, उसको मैं हम लोगों ने कर दिया है, बट वेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए आ गया हम लोग का गर्मा गर्म फेट की फिश फ्राई, मैं इसका क्या ही तारीफ करूँ, बहुत ही अमीर था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। हम लोग का बिरयानी भी यहाँ पे आ चुका है, दो मटन बिरयानी हम लोगों ने लिया है क्योंकि इसका क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है ना, हम लोग खा नहीं पाएंगे। तो हाँ खा, आर्यन को रहा नहीं जा रहा तो बोला मम्मी खा ले, खा लो, कैसा लग रहा है। तो यहाँ का तो अच्छा होता है ये, नो डाउट। और क्राउड तो आप देख ही सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। वहाँ से खा के निकल गए। और दादा बोदी को बिरयानी के बाद क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा है। खाने में कैसा लगा? अच्छा, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने दो ही प्लेट लिया जिसमें कि तीन लोग खाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो वो भी खाया नहीं जा रहा था ना। चलिए यहाँ से खा के निकल चुके हैं, अब निकलते हैं फिर से यहाँ से फोटो लेते हैं। और जाना भी वैसे ही है जैसे मैं आई हूँ, फिर भी मैं दिखा दूँगी। फिर भी लाइन देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तो आधा ही है, फिर उधर यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे गाइड करने के लिए यहाँ पे ये हैं, बहुत ज़्यादा है क्राउड। भाई साहब फर्स्ट टाइम आके देखी हूँ, बिरयानी तो बहुत बार खाई हूँ, बहुत बार नहीं, दो से तीन बार, वो भी भाई ही ला के दिया है मुझे, आई हूँ फर्स्ट टाइम। बहुत भीड़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा। आज पता चला कि हाँ दादा बॉडी बिरयानी का मतलब क्या मतलब है, बहुत अच्छा यार, इसीलिए इतना ज़्यादा क्राउड है। ले आ गए हैं लंच घाट पे, अब यहाँ से टिकट लेंगे श्रीरामपुर जाने के लिए, मतलब श्रीरामपुर धोबी घाट जाने के लिए, फिर वहाँ से लोकल ट्रेन
सकते हैं यहाँ पे टिकट, देख सकते हैं यार व्यू कितना अच्छा लग रहा है। खाली खाली है ना, जल्दी चलो अरिन कहीं चला ना जाए, हम लोग यहीं पे फिर रह जाएंगे। कोई भी चीज़ नया जगह हो तो बेटा थोड़ा सा ये नहीं लगता अनकम्फर्टेबल, मेरे को तो लग रहा है। चल चल फटाक से चलो। रामपुर स्टेशन आ चुके हैं, बस ट्रेन आ जाए, अगर जल्दी जल्दी हर चीज़ मिल जाए तो, दूर भी नहीं है दादा बोधी बिरयानी, तो चलिए आए हैं तुरंत, वेट करते हैं ट्रेन आता है तो दिखाते हैं आप लोगों को। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और आगे यहाँ पे देखिए, जब देखो तब मेरा क्या करता है, मजाक उड़ाते रहता है। हमारा ट्रेन भी श्रीरामपुर से खुल चुका है, जाते टाइम भी अच्छे से सीट मिला, आते टाइम भी ना आ रही है, अभी ट्रेन फाँका चल रहा है। तूफानी दादा बोधी से आ चुकी हूँ और आके बहुत ज़्यादा काम था, मतलब करने लगी यार। इनके पापा भी 4 बजे आ गए थे तो फ़ोन किए थे कि मैं आ गया हूँ, वैसे भी वो मतलब अभी नॉनवेज खाना नहीं चाह रहे थे, बट बोले हैं दूसरे दिन वो मुझे कहीं लेके जाएंगे, तो ठीक है लेके जाएंगे, तो क्योंकि दुर्गा पूजा में उनको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलता है, बस एक दिन ही छुट्टी मिलता है उनको, दसवीं के दिन। मैं फ़ोर्स भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि देखिए काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद से जैसे कि दिसंबर जाएगा ना तो उनको छुट्टी छुट्टी मिलेगा, क्योंकि 14 जनवरी तक उनके दुकान में मतलब जो सामान का है उसका काम बहुत ज़्यादा चलता है, तो इसलिए उनको छुट्टी नहीं मिलता है, तो दिसंबर में मिलता है तो कहीं मुझे ट्रिप पे लेके जाते ही हैं। तो फ़िलहाल आज देवर का छुट्टी था तो वो बोले चलिए चलते हैं, तो गई थी। भाई साहब इतना भीड़ मैंने कभी भी कहीं नहीं देखा है, जो कि दादा बोधी में था इतना लाइन, और मतलब जब हम लोग खाने भी गए तो इतना भीड़, लेकिन यही था कि समय से मतलब और अच्छे से मतलब सर्व किया जा रहा था, कोई चीज़ का कमी नहीं। और हम लोग 3 लोग थे तो मैंने 2 प्लेट ही बोला लेने के लिए, क्योंकि मैं नहीं खा पाती, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था, 2 प्लेट में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा छोड़ ही दिया, मतलब खा ही नहीं पा रहे थे यार, बट बहुत टेस्टी। जितना नाम सुनते हैं ना दादा बोधी बहुत अच्छा, खाई तो हूँ, भाई ने ला के दिया ही है, तो काफ़ी अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस जो था मतलब अच्छा था, आर्यन को भी अच्छा लगा, बट यही है जो भीड़ भाड़ रह रहे के बारिश भी होने लग रहा था। तो फिलहाल चलिए, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बट वही भीड़ भाड़ की वजह से, और मैं कैसे गई कैसे क्या कि मैंने आपको सब कुछ बताया है, तो अगर आप लोग जाना चाहते हो लिलुआ हावड़ा से हो तो बिल्कुल आसान है, वैसे तो जानने को सभी जानते होंगे, बट जो नहीं जानते मैंने उनके लिए ही बनाया है ये वीडियो। तो चलिए आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब